नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन किचन में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जैन आज लेके चल रही हूँ आपको दोबारा से दिल्ली छे और वहाँ की भेड़वी पूरी। और दिल्ली छे के हमारे चटोरे होते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया लोग होते हैं, उन्हें खाने पीने का बहुत शौक होता है, तो इसीलिए आज मैं भी आपको लेके चल रही हूँ। और मैं तो हुई फूडी लवर, तो इसीलिए चलिए आज हम बनाएंगे भेड़वी पूरी, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। जो इसकी बेड़नी है वो आपको ना ही इसमें दाल भिगोने की टेंशन, ना ही मोटे आटा ढूंढने की टेंशन, और आज मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाई है, फुली फुली क्रिस्पी। और जो आलू की सब्जी है वो मैंने पहले कचौड़ी के साथ बनाई थी, तो उसकी आलू की सब्जी की जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम सिर्फ बनाएंगे भेड़वी पूरी, तो चलिए मिलकर बनाते हैं। भेड़वी पूरी बनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, लेकिन मैं आज जो भेड़वी बना रही हूँ वो दाल की नहीं है, ना ही मोटे आटे की है। हम आज भेड़वी बना रहे हैं सूजी की, और ये सूजी के लिए मैंने 2 कप सूजी ले रही हूँ। मैं 2 कप मैंने सूजी लिया ये, और 1/2 कप से भी कम थोड़ा सा ये मैं आटा डाल रही हूँ, गेहूं का आटा है ये घर में जो नॉर्मल होता है हमारे पास। और इसमें बाकी सब हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, 1 चम्मच सूखा धनिया डाल रही हूँ, ये सब मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला, 1/4 लाल मिर्च, और ये अजवाइन 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, सौंफ जरूर डालनी है, और अजवाइन से और सौंफ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये हींग, और थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप हाथ से ऐसे क्रश करके डालिए, और जो हींग डाली है वो मैंने 1/4 डाली है, आप अगर आपको थोड़ा कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी लगभग 1/2 इनो का पाउच, तो ये लगभग हमारी जो चम्मच बनेगी ये हाफ चम्मच ही होती है, ये देखिए। जो सूजी से जो पुड़िया बनेगी ना ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आटा कई बार दाल की पेट में पूड़ी का ये होता है, बड़ी हैवी भी लगती है उड़द की दाल की, और जो उड़द की दाल है कई बार हम भिगोना भूल जाते हैं, उसे भिगो पीसो फिर आटे में गूंदो, तो इसीलिए आप इसकी बना के देखिए बहुत ही कुरकुरी बनेगी। और अब हम इसका डो लगाएंगे। ये देखिए डो हमारा लग चुका है, और बस मैं इसका 15 मिनट रख रही हूँ, और मैं तब तक अपनी सब्जी बनाऊंगी। सब्जी की मैं वीडियो आज दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आलू कचौड़ी की जो सब्जी बनाई थी मैं बिल्कुल वही सेम बना रही हूँ, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा एक जो कर रही हूँ वो सिर्फ अचार का मसाला उसमें 1 चम्मच डालूंगी, और थोड़ा सा सूखा धनिया साबुत डालूंगी। तो चलिए जब तक हमारा ये डो हो रहा है तब तक मैं सब्जी बनाती हूँ। ये देखिए डो हमारा हो गया है, और इसको मैं थोड़ा सा हाथों से मल रही हूँ, सूजी है तो वो फूल गई है। देखिए लोई मैंने बना ली है, और अब हम इसको तल बेलेंगे। और इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है हमने। चलिए अब हम इसको तलते हैं, बेल रही है और अब हम इसे तल रहे हैं। ये देखिए पूरी हमारी फूल गई है, और ये बहुत ही करारी बनती है, और ये बहुत टेस्टी भी लगती है। ये देखिए करारी क्रिस्पी हमारी, और ये मैं एक और बेल के सेक रही हूँ, और फिर हम अपनी करेंगे प्लेटिंग। देखिए दूसरी पूरी भी हम तल रहे हैं, और इसे तेज गैस पर ही तलना है, स्लो गैस पर आप नहीं तलिए, आराम से फूलती है। ये देखिए ये फूल गई, और इसे भी मैं निकाल रही हूँ, ये बहुत ही करारी बनती है। देखिए धीरे धीरे फूल रही है पूरी हमारी। ये देखिए हमारी पेट भी पूरी तैयार है, और ये बहुत ही करारी बनी है, और टेस्टी भी है, क्योंकि हमने सारे अंदर इसमें मसाले डाले हैं। तो अब इसे घर में बनाइए और जरूर खाइए,
चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर आपको ये मेरी बेड़मी पूरी पसंद आई तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब हम मिलते हैं, थैंक यू, बाय।